everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about ALH MK3 helicopter, because Indian Coast Guard inducted 3 ALH MK3 helicopter. तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में. इस शुरू से अंत तक बनिए हमारे साथ. आज हम पूरी तरह से इस वीडियो में बात करने वाले हैं ALH MK3, और इसको कोस्ट गार्ड ने अपने विरा में शामिल कर लिया है. तो चलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में हम बात करेंगे ALH MK3 के बारे में. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको यहाँ पे पिक्चर में देख रहा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3. तो यहाँ पर जो यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, यह बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस आपको यहाँ पे दिखेगा. यह एक ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर है जो कि रेस्क्यू के दौरान इससे मदद लिया जाएगा. इंडियन कोस्ट गार्ड में यह इंडक्ट कर दिया गया है. आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें गन्स भी लगे हुए हैं, एंटीना लगा हुआ है, और रेस्क्यू के समय जितनी सारी जरूरत पड़ता है नेविगेशन लाइट लगा हुआ है, लैंडिंग गियर हाउसिंग, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आपको यहाँ पे लैस मिलेगा. और इससे हमारी नेवी की जो है और क्षमता बढ़ेगा. तो चलिए डिटेल से इसके बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पे देखा है तो इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्ट्स 3 इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3. तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो गया है. यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एयरक्राफ्ट है. द हेलीकॉप्टर विच आर पार्ट ऑफ ALH MK3 प्रोग्राम विल बी पोजिशन एट 4 कोस्ट गार्ड स्क्वाड्रन एट भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोचि एंड चेन्नई. तो यह जो है देखा जाए तो यह जो एयरक्राफ्ट ALH MK3 है, यह पोजिशन होगा भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोचि और चेन्नई में जो है यह तैनात किया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत विजन. 3 इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 वेयर इंडक्टेड इन टू इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन सैटरडे. डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सेड दैट द हेलीकॉप्टर विच आर पार्ट ऑफ द ALH MK3 प्रोग्राम विल बी पोजिशन एट 4 कोस्ट गार्ड स्क्वाड्रन भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोची एंड चेन्नई. तो ये जो आपको यहाँ पर ये जो पोजिशन किया जाएगा, नहीं तैनात किया जाएगा. तो चलिए देखते हैं और क्या नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा. द हेलीकॉप्टर इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL बेंगलुरु आर स्टेट आर्ट ऑफ द फ्लाइंग मशीन्स एंड कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर स्टेप इन द क्वेस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत. यह जो है देखा है हेलीकॉप्टर तो HAL के द्वारा निर्मित किया गया है. HAL जो कि बेंगलुरु बेस्ड आपको मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी. एंड यह जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है उसके तहत यह डेवलप किया गया है. द हेलीकॉप्टर आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लाइक सर्वेलांस रडार. उसमें जितने सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. सर्वेलांस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पोर्ट, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट, SAR होमर, लाउड हेलर, मशीन गन एंड कैन परफॉर्म अदर की रोल्स. तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंस एडवांस जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लैस है. हेलीकॉप्टर MRO डिवीजन इज द नोडल एजेंसी फॉर एक्सक्यूशन ऑफ PBL कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द इंजन डिवीजन एंड अदर सिस्टर डिवीजन ऑफ HAL. तो यहाँ पर बताया गया है कि HAL के जो अदर पार्ट्स हैं वो सिस्टर ऑफ डिवीजन उसके थ्रू और PBL कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है इसको डेवलप किया गया है. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 आपको देखने में इस तरह से आएगा. अलग अलग कलर में आपको देख सकते हैं. यह बहुत ही अच्छा खासा पिक्चर है, और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर अपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.